और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें, वाराणसी पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वागत के लिए सीएम योगी वहां पर मौजूद, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद, बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मौजूद प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। बड़ी अपडेट ये वहां से कि प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंच चुके हैं ठीक 10:30 बजे तय वक्त पर, उनका विशेष विमान पहुंच चुका है बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी, उनका स्वागत करेंगे वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों कई मिनटों पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। नीतीश पांडे के पास चलते हैं, नीतीश के पास ज्यादा अपडेट है, बताइए नीतीश क्या जानकारी मिल रही है आपको प्रधानमंत्री के अराइवल के बारे में और उनके स्वागत के बारे में बाबतपुर एयरपोर्ट पर। राजन जी, प्रधानमंत्री बनारस पहुंच चुके हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री वहां से बीएचयू के लिए रवाना होंगे, बीएचयू हेलीपैड के बाद प्रधानमंत्री फिर जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे आईआईटी मैदान, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जो एमसीएच विंग है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद रुद्राक्ष में आएंगे। रुद्राक्ष का कार्यक्रम थोड़ा देर हुआ है, जो इस कन्वेंशन सेंटर में जो लोग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी की ओर से एनपी सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं कि अंदर कार्यक्रम क्या होना है। एनपी सिंह जी, उद्घाटन होगा और बनारस की जनता बहुत प्रसन्न है कि 1200 लोगों के लिए एक इतना आवश्यक था इस शहर के लिए बैठने के लिए, बहुत अच्छी योजना लेटेस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी की बनाई गई है और लगभग बनारस के विकास में 67,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जी योजनाओं में खर्च कर। आज प्रधानमंत्री यहां पर होंगे, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं बनारस में, तो अब उत्साह किस तरह का, अंदर जापानी डेलीगेसी से भी जुड़े हुए लोग होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या अंदर किस तरह का संवाद, क्या सोच क्या? बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रबुद्ध जनों को वो अपना संबोधन देंगे, आशीर्वचन देंगे, मार्ग निर्देशन देंगे और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, आपके हाथ में तो कार्ड भी है, यही कार्ड है राजेंद्र जी, यही कार्ड है जी। इसी को जो आमंत्रण पत्र है इसको दिखाकर ही अंदर जाना है, सीमित लोगों की व्यवस्था है और जो लोग भी अंदर जाएंगे उनको कोरोना नियमों का पूरा पालन करना होगा। तो प्रधानमंत्री अब काशी में आ गए, कैसा लग रहा है? और सबसे बड़ी चीज़, जब आप उनके सामने होंगे तो क्या सोच कर गए? ऐसा बनारस का जो एमपी प्रधानमंत्री तो वही है, बनारस के एमपी के नाते उन्होंने जो सौगात दिया है बनारस को, ये अविस्मरणीय रहेगा और बनारस की जनता इसको हमेशा से याद करेगी कि कोई ऐसा एमपी मिला जो कि बनारस को। राजेंद्र जी, काशी में उत्साह बढ़ने लगा है, अब प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही काशी और भी उत्साहित हो चुकी है। इस वक्त जो हलचल है वो बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी, चारों तरफ देखे सुरक्षा का घेरा और भी मजबूत कर दिया गया है, जहां जिस तरह की स्थिति है कहा जा रहा है कि जहां पर आपका पॉइंट है उसके आगे आपको बढ़ने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही सुरक्षाकर्मी जो थोड़े बहुत ढीले थे वो पूरी तरह से अब मुस्तैद हो गए हैं। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा घेरा हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं तो वहां पर जो अलर्टनेस है वो और बढ़ी हुई है और वो दिख रहा है, और जो उनकी अगवानी के लिए वहां पर लोग हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है उनकी खुशी भी बहुत स्वाभाविक तौर पर उनके चेहरों पर नजर आ रही है, उनकी बात में सुनाई दे रही है।